हे गाइस, व्हाट्स अप? और भाई क्या हाल है यार? पढ़ाना थोड़ा बोरिंग लग रहा था तो सोचा पढ़ लूँ। तो आज हम बात करने वाले एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। तो बेसिकली इनका जो टाइम था वो 1720 के बाद ही शुरू हुआ, और लगभग 1761 के बाद लगभग सब कुछ ख़त्म सा हो गया। 1761 जिसे हम पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जानते भी हैं, अहमद शाह अब्दाली जिन्होंने पूरे एंग्लो मराठा वॉर में जो भी हुआ उसकी नियति बदल दी। जिस तरह से मराठा बढ़ रहे थे उनको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि मराठा पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, पर अहमद शाह अब्दाली जब 1761 में उसके द्वारा मराठाओं की हार हुई तो उसके बाद ये सिलसिला उसने जो पानीपत का तीसरा युद्ध था उसने ये तो नहीं डिसाइड किया कि आखिर भारत पर राज्य कौन करेगा, परंतु उसने ये तो ज़रूर कन्फर्म कर दिया था कि मराठा या अहमद शाह अब्दाली तो बिल्कुल भी नहीं। अहमद शाह अब्दाली बिल्कुल भी नहीं इसलिए क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो था उसने ये युद्ध जीत तो ज़रूर लिया था, पर उसके जो सैनिक थे उन्हें उनका पेमेंट नहीं दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया और अहमद शाह अब्दाली को वापस लौटना पड़ा। इसका फ़ायदा हुआ अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों को फ़ायदा इसी कारण हुआ क्योंकि मराठा थे वो 5 भागों में बट गए थे, जिसके कारण अंग्रेज़ों को उन्हें हराने में काफ़ी आसानी हुई। अगर ऐसा ना होता तो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे होते जिसकी नींव मराठा सरकार ने रखी थी। तो जो पहला जो मराठा वॉर हुआ था वो बेसिकली 1775 to 82 तक हुआ था। तो पहले इसके थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो उस वक्त जब एंग्लो मराठा वॉर के पहले तक मराठा पांच भागों में बट चुके थे, यानी 5 हिस्सों में बट चुके थे। बड़ौदा के गायकवाड़ राजा बने, नागपुर के भोसले और इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और पुणे के पेशवा। ऐसे पुणे के पेशवा को ज़्यादा मेन माना जाता था, लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके बाद दूसरी टेंशन तब आई जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, जो कि 1775 से 82 के बीच हुई। 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु के बाद उसका बेटा नारायण राव और नारायण राव का चाचा रघुनाथ राव जो कि राजा बनना चाहते थे, उन दोनों के बीच षड्यंत्र रचा गया। आखिरकार नारायण राव की मृत्यु हो गई जो कि माधवराव का बेटा था। उसके बाद रघुनाथ राव पेशवा तो बना, लेकिन नाना फडणवीस ने अपनी चाल चली और उसने अपने नारायण राव के मरने के बाद उसकी पत्नी गंगाबाई से जो बेटा हुआ था उसको पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया, जिससे कि रघुनाथ राव बहुत ज़्यादा सेंटी हो गया था, यार मेरे को नहीं बनाया यार इसने। तो उसके बाद उसका एक गलत स्टेप उठाया गया जो कि सूरत की संधि थी। पेशवा पद नहीं मिलने के कारण रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों से सूरत की संधि कर ली 1775 में, ताकि वह अंग्रेज़ों की हेल्प लेकर पेशवा बन जाए। ट्रीटी के अनुसार रघुनाथ राव ने सॉल्टसेट और बेसिन का क्षेत्र सूरत और बहराइच जिलों से राजस्व यानी कि रेवेन्यू वसूलने का सारा जिम्मा अंग्रेज़ों को दे दिया कि भाई तू अब तू ही संभाल, मेरे से नहीं होने वाला। उसके बाद 1770 में नाना फडणवीस ने इसके बदले में फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पतन यानी कि जिसे बंदरगाह एक तरह का बंदरगाह की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन किया।
उस वक्त मराठाओं का जो नेतृत्व था वो महादजी सिंधिया यानी कि ग्वालियर के शासक कर रहे थे। इसमें मराठाओं ने अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाया और आखिरकार अंग्रेजों ने 1779 यानी कि 1779 में सरेंडर कर दिया और वडगांव की संधि हो गई, वडगांव ट्रीटी, जो कि बॉम्बे सरकार अंग्रेजों द्वारा 1775 से हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। यानी जो भी क्षेत्र यानी कि सॉल्सटर बेसिन जो अंग्रेजों को मिला था सूरत की संधि के अकॉर्डिंग, वो वडगांव की संधि में उन्हें वापस कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को रद्द कर दिया। उसने कहा भाई मैं नहीं मानता ऐसी संधि को। तो उसने कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, जा भाई तू। तो गोडार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद पर और दिसंबर 1780 यानी 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1781 में जनरल केमे ने अंग्रेजी सेना के बलबूते पर सिपरी में महाजी सिंधिया को हरा दिया। इसके बाद हुई सालबाई की संधि जो कि 1782 यानी 1782 में हुई। मई 1782 में हुई इस संधि को सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी जून 1782 में हेस्टिंग्स ने अप्रूवल किया और बाद में फरवरी 1783 में नाना फडणवीस ने। तो बेसिकली इसका जो मेन कंसेप्ट था वो यही था कि मराठा और अंग्रेजों के बीच अगले 20 साल तक शांति बनी रहेगी, पीस बना रहेगा और आगे कोई युद्ध नहीं किया जाएगा। तो अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, जो कि 1803 से 1805 के बीच हुआ। भारत में 1798 में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेजली का आगमन हुआ। उनका मानना यही था कि फ्रांसीसियों ने उनको जो भी नुकसान पहुंचाया था उसे तभी उबरा जा सकता था जबकि पूरे भारत के जितने भी देसी रियासत हैं उनको अपनी सैनिक सहायता के बलबूते पर अपने ऊपर निर्भर कर लिया जाए ताकि वे कभी भी अंग्रेजों से लड़ ना सकें बल्कि अंग्रेजों के अंडर में रहें और अंग्रेजों के हिसाब से ही कार्य करें। ऐसी सुरक्षा देने के लिए उसने कुख्यात सहायक संधि तैयार की, लेकिन शुरू में मराठाओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया कि यार मैं नहीं मानता इस संधि को। तो ये विरोध तो तभी खत्म हो गया था जब नाना फडणवीस मार्च 1800 में उनकी जब मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु हुई तो पेशवा बाजीराव टू अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए। या वो कहते हैं ना फूट डालो राज्य करोगी नहीं थी, पहले ही ये काम हो चुका था। एक बंदा दूसरे बंदे को मारने पर तुला हुआ था, परंतु यह खुद उनका शिकार बन गया। दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर, इसमें सिंधिया जीत गया और बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया, यानी बाजीराव को सिंधिया के अंडर में अब काम करना पड़ा। अप्रैल 1801 में पेशवा बाजीराव टू ने जसवंत होलकर के भाई विट्ठू जी की हत्या कर दी। उसके बाद जसवंत राव होलकर गुस्सा आया और उसने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को हरा दिया और उसके बाद फिर पूना पर अधिकार कर लिया, नहीं भाई अब पूना ये मेरा था, मेरा हुआ। तो बाजीराव टू ने भागकर बेसिन में शरण ली और 1802 में अंग्रेजों से एक संधि की, जिसे बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। तो बेसिन की संधि में बेसिकली मेन जो टॉपिक थे वो ये थे कि जो पेशवा है यानी जो मराठा है उन्होंने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया था कि ठीक है अब हम अंग्रेजों की सुरक्षा में रहेंगे, अब हमारे विदेशों से संबंध कैसे होंगे इसका निर्धारण भी अंग्रेजी करेंगे, यानी जो कंपनी है वही करेगी, वही हमारे विदेशी संबंधों की देखरेख करेगी, हमारे सुरक्षा की गारंटी अब कंपनी की थी। अंग्रेज पैदल सैनिकों को पूना में रखना स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अंग्रेज के जितने भी सैनिक हैं उनको पूना में रखा जाएगा और उनका सारा खर्चा मराठाओं द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी को सूरत नॉट फेस वो सूरत जगह दे दी गई।
ये यहीं पे ख़त्म हुआ। उसके बाद जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था वो 1817 से 19 के बीच हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स, पेशवा सिंधिया और भोसले दोनों इन सब से मिलकर बहुत सारी अपमानजनक संधियाँ की थी, जो कि मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं था। उनसे बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड की गई, जिसके कारण उनके लिए भी अब बात हजम करना बहुत मुश्किल था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने ये सब तो सोचा भी नहीं था, पर अंग्रेज़ हमें और दबाना चाह रहे हैं। अगर हमने एकता नहीं दिखाया, अगर हम एक साथ नहीं हुए, तो अंग्रेज़ हमारा इसी तरह हमें दबाते चले जाएंगे। तो उन्होंने फिर लास्ट में सभी ने मिल करके उनमें था दौलतराव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब और मल्हारराव होलकर टू, इन तीनों ने मिलकर युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन अंग्रेज़ों ने पेशवा को किरकी, भोसले को सीताबर्डी और होलकर को महितपुर नामक स्थान पर हरा दिया। इसके साथ ही अंग्रेजों की शक्ति नष्ट करने के मराठों के सपने चूर चूर हो गए। मराठाओं ने सोचा था कि अंग्रेजों को हटा दिया जाएगा, इसलिए दोनों तीनों ने साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ठान ली थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं और अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। इन सबके पीछे जो कारण था वो बेसिकली इनकी एकता में अभाव के कारण था। वे एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि मराठा इतने सशक्त नहीं थे कि वो अपने सैनिकों को टाइम टू टाइम पेमेंट दे पाते, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ था भी नहीं, क्योंकि उस वक्त जैसे ज़मीन थी उनमें से ज़्यादातर हिस्सा बंजर था, जिस पर खेती नहीं हो सकती थी और ना ही कोई मार्केटिंग हो सकती थी, ना ही कोई बाजार स्थापित किया जा सकता था, जिसके कारण उसके पास आर्थिक संकट थी, जबकि अंग्रेज़ों के पास ब्रिटेन की शक्ति थी और साथ ही साथ ब्रिटेन का सहयोग भी था। सैनिक व्यवस्था, तो मराठाओं ने छापामार रणनीति जी थी, जो कि उस समय से चली आ रही थी, जो कि शिवाजी ने लागू की थी, जो शिवाजी ने कभी अपनाया था। ऐसे बेसिकली उनसे पहले भी बहुत लोगों ने कुछ लोगों ने अपनाया था, परंतु छापामार की नीति उनकी, वो कहते हैं ना, उनकी पकड़ थी उस पर। तो उन्होंने एक रणनीति का निर्माण किया था, मानो हमेशा वो उसी रणनीति का यूज करते हो। कॉन्फिडेंस का अभाव था, शासन व्यवस्था की कमी थी और योग्य नेतृत्व का भी अभाव था। हालांकि ये कहना गलत हुआ कि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। उनमें से बहुत सारे ऐसे शासक थे जैसे कि पेशवा बाजीराव, नाना साहब, माधव राव, उनमें बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाने में अपनी जान लगा दी, परंतु कुछ अदूरदर्शी और ऐसे शासक भी थे जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचा करते थे और जिनके लिए जनता का हित कोई महत्व नहीं रखता था, जिसके कारण ऐसा हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।